नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के सारणी के 11वें सत्र में शामिल हुए हैं। इसमें हम लोग विविध प्रश्नावली के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को सीखेंगे। आइए एक एक करके हम लोग सॉल्यूशन सीखते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में 4.6 तक सीखा था, आज हम विविध प्रश्नावली के प्रश्नों के हल सीखेंगे। एग्जाम्पल्स 30 है, यदि एबीसी धनात्मक और भिन्न है तो सिद्ध करना है कि डिटरमिनेंट्स का मान ऋणात्मक होगा। साथियों, इसे हल करने के लिए हम पहला स्टेप लेते हैं, कॉलम फर्स्ट में कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को जोड़ देते हैं। तो पहले कॉलम में ए प्लस बी प्लस सी आ जाता है, इसे कॉमन निकाल लेंगे तो पहला कॉलम एक 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 हो जाएगा, बी सी ए सी ए बी हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप करेंगे, आर वन में आर टू घटा देंगे और आर टू में आर थ्री घटा देंगे। आर वन में आर टू घटाएंगे तो ये दोनों जीरो हो जाएगा। अब तीसरे पहले कॉलम के अंदिश इसको विस्तार कर देते हैं, इसे विस्तार करेंगे तो बी माइनस सी सी माइनस ए सी माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। इसे से गुणा करेंगे तो रिजल्ट मेरा ये आ गया। माइनस कॉमन निकालते हैं यहां से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी हो जाएगा। साथियों, दो से भाग करके दो से गुणा कर देते हैं तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ca। इसका मतलब हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर और इसका मतलब हो गया b माइनस c का होल स्क्वायर और इसका मतलब हो गया c माइनस c का होल स्क्वायर। साथियों, ये माइनस में है, a और b c धनात्मक मान है तो a प्लस b प्लस c भी धनात्मक मान होगा और ये स्क्वायर नंबर है तो ये भी जीरो से बड़ा होगा यानी धनात्मक होगा। ये दोनों धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, इसका मतलब पूरे रिजल्ट ऋणात्मक होगा, अतः ये डिटरमिनेंट्स जो होगी वो निगेटिव होगा। प्रमाणित हुआ कि डिटरमिनेंट का मान ऋणात्मक होगा। एग्जाम्पल 31, इसमें एबीसी समानांतर श्रेणी में है तो इसका मान ज्ञात करना है। साथियों, इस डिटरमिनेंट्स में पहला स्टेप करेंगे क्या, आर वन में आर थ्री को जोड़ देंगे और आर टू को घटा देंगे, दो से गुना कर देंगे। आर वन आर टू जोड़ेंगे तो चार में छो छो चार दस, दो से गुना करेंगे छह वाई माइनस दे सात पॉइंट बारह प्लस सोलह माइनस बारह वाई माइनस सोलह अठारह वाई प्लस ए प्लस सी माइनस अठारह वाई माइनस टू बी। ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। ए बी सी समानांतर श्रेणी में है, इसका मतलब है कि a प्लस सी बराबर टू बी होगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं भी जीरो हो जाएगा। एक रो जीरो हो गया इसलिए इसका मतलब है इस डिटरमिनेंट का मान शून्य होगा और यही हमें यही इसका मान हुआ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 32 से सिद्ध करना है ये मैट्रिसेस बराबर इतना होता है। साथियों, इसमें कहना क्या है कि आर वन में ये डिटरमिनेंट का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 32 में सिद्ध करना है कि नॉट बराबर 2x बाई जेड इन टू एक्स प्लस बाई जेड का होल क्यूब। पहला ऑपरेशन करते हैं कि r1 को x से गुना कर देते हैं, r2 को y से गुना करते हैं और r3 को z से गुना कर देते हैं। साथियों, r1 को x से गुना करेंगे तो x इन टू वाई प्लस जेड का स्क्वायर हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये जेड x स्क्वायर हो जाएगा। r2 को y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, y इन टू x प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। तो जेड से गुणा करेंगे जेड स्क्वायर हो जाएगा, वाई जेड स्क्वायर टू जेड इन टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉलम फर्स्ट से एक्स बाहर निकाल लेते हैं, कॉलम टू से वाई और जेड, कॉलम थ्री से जेड कॉमन निकालते हैं तो एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब कॉलम सेकेंड में फर्स्ट डालते हैं, कॉलम थर्ड में फर्स्ट डालते हैं। कॉलम सेकेंड में फर्स्ट वैसे रह जाएगा, सेकेंड में फर्स्ट घटा दिया, थर्ड में फर्स्ट घटा दिया। अब ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये
एक्स प्लस वाई प्रेजेंट हो जाएगा, एक्स प्रेजेंट माइनस वाई हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो देख सकते हो कि फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम से एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और थर्ड कॉलम से भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकल जाएगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गया, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऐसे रह गया। अब आर वन में आर टू और आर थ्री को जोड़ के घटा देते हैं, इस आर वन में आर टू और आर थ्री को जोड़ के घटाएंगे तो ये हो जाएगा ये एक्स प्लस वाई माइनस जेड है, एक्स इसमें जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये माइनस टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा टू वाई जेड। टू वाई जेड हो जाएगा, ये टू जेड माइनस टू जेड माइनस टू वाई, ये वाई स्क्वायर, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, जीरो। इसके बाद क्या करेंगे, कॉलम टू में इसमें कॉलम फर्स्ट को वाई से गुणा करके जोड़ेंगे, कॉलम थर्ड में जोड़ेंगे कॉलम फर्स्ट को जेड से गुणा करके, जेड से भाग करके, इसमें कॉलम वन में वाई से भाग करेंगे और कॉलम टू को जोड़ देंगे, कॉलम वन में जेड से भाग करेंगे, कॉलम थ्री को जोड़ देंगे, तो ये दोनों एलिमेंट जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद ये कॉलम फर्स्ट के अंदर विस्तार कर देंगे, इतना का होल स्क्वायर टू वाई जेड, ये कॉलम एक रो खत्म हो गया, एक्स प्लस जेड जेड स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर जेड एक्स प्लस वाई। अब इसको इससे क्रॉस करेंगे, टू वाई जेड हो गया, एक्स प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई, ये दोनों गुना करेंगे तो वाई वाई कैंसिल, जेड जेड कैंसिल, वाई जेड हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये टू वाई जेड है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई जेड, वाई जेड कैंसिल हो गया। अब ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, टू एक्स इससे कॉमन निकल रहा है एक्स, तो टू एक्स वाई जेड हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बच गया, यानी टू एक्स वाई जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड को होल स्क्वायर से गुना करेंगे इसको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल की हो जाएगा। अतः इस प्रकार साथियों सत्यापित हुआ कि डिटरमिनेंट बराबर टू एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। 33 है, अवयवों के गुणनफल का प्रयोग करके निम्नलिखित निकाय का हल ज्ञात करना, ये निकाय है। तो पहले हम ये दो दिया है इसको गुना कर लेते हैं, गुना किए एक को माइनस दो से गुना किए, माइनस एक को नौ से गुना किए, दो से छह से गुना किए, तो दिन 12 हो गए, इस तरह सबको गुना किए, एक तत्समक आवयव आ गया। तत्समक आवयव आ गया इसका मतलब यह है कि इसका इनवर्स ये है, तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये हो गया। अब इस पर ध्यान देते हैं, ax प्लस b के रूप में लिखते हैं, तो ये a हो गया x का कोफिशियंट, y का कोफिशियंट, z का कोफिशियंट, x हो गया एक्स वाई जेड, b हो गया बराबर के बाद वाला राशि एक एक दो। अब यहां देखिए जो ये है वही a है, ये दोनों सेम है, जो ए है वही ये है, दोनों सेम है, यानी इसका इनवर्स मुझे पता हो गया है। तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी होता है, तो ए इनवर्स मुझे मालूम हो गया, अब बी से गुना कर देंगे तो रिजल्ट आ गया 0.53, यानी एक्स का मान 0 और वाई का मान 5, जेड का मान 3 आ गया। इस तरह से ये मैट्रिसेस के गुना करने के गुना करके इस समीकरण निकाय का हल आसानी से कर लिया, इनवर्स निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी अलग से, इसी में ये इनवर्स इसको मिल गया और इसका इनवर्स का वैल्यू भर दिए और कैलकुलेट कर दिए, एक्स वाई जेड का मान निकल के आ गया। एग्जांपल 34 है, ये डिटरमिनेंट है, इसका वैल्यू हमें ये लाना है 1 माइनस एक्स का ये होल स्क्वायर। साथियों सबसे पहला काम करते हैं कि आर्गन में आर टू को एक से गुना करके घटाते हैं, तो आर वन तो ये है, आर टू ये है, इसमें एक से गुना करके घटाएंगे तो बी एक्स कट जाएगा, इसमें डी एक्स कट जाएगा, इसमें पी एक्स कट जाएगा, तो ए कॉमन निकल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इसमें सी कॉमन निकल गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें पी कॉमन निकल जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर सभी में है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच गया ए सी पी और ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी पी एक्स प्लस क्यू यू भी डब्ल्यू, ये तो इस साथियों यही है, ये आने बहुत नजदीक सी बच गई, थोड़ी सी की कसर है,
बस एक ऑपरेशन करते हैं, आर टू में आर वन को एक्स से गुना करके घटा देते हैं, तो एक्स कैंसिल हो जाएगा बी बचेगा, इसमें सी एक्स कैंसिल हो जाएगा डी बचेगा, फिर पी एक्स कैंसिल हो जाएगा क्यू बचेगा, ए बी पी क्यू, ए बी यू, सी डी वी, सी डी वी, पी क्यू डब्ल्यू, पी क्यू डब्ल्यू, वन माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार ये साथ सत्यापित हो गया साथियों। एक्सरसाइज का प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली का एक्सरसाइज होता है। क्वेश्चन नंबर वन है, ये डिटरमिनेंट से सिद्ध करना है, थीटा स्वतंत्र है, यानी कि जब इसको इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें थीटा नहीं होगी, थीटा से फ्री होगा। तो अब इसको विस्तार कर लेते हैं साथियों, कॉलम रो वन के अनुदिश इसको विस्तार कर लेते हैं, एक्स माइनस एक्स वन वन एक्स, ये कट के सब किया जाता है, माइनस एक्स क्यू आ जाता है, जिसमें कि थीटा नहीं है, अतः यह थीटा से स्वतंत्र है। अब इसे बिना प्रसार किए हुए हमें सिद्ध करना है ये, तो देखिए आर वन को हम ए से गुना करते हैं, आर टू को बी से गुना करते हैं, आर थ्री को सी से गुना करते हैं, इसको ए से स्क्वायर से गुना किया तो ये क्यू हो गया, ए बी सी हो गया, बी स्क्वायर हो गया, बी क्यू हो गया, ए बी सी हो गया, सी स्क्वायर सी क्यू हो गया, ए बी सी हो गया। पर हम एबीसी से भाग भी करेंगे। अब पहले कॉलम तीसरे कॉलम से एबीसी बाहर निकालेंगे, एबीसी बटे एबीसी हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा साथियों। अब इसको क्या किया, कॉलम थ्री की जगह पर कॉलम वन रखे तो माइनस का चिन्ह आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कॉलम थ्री जगह पर कॉलम टू इंटरचेंज कर दिए। अब कॉलम वन और कॉलम टू के बीच इंटरचेंज किए तो फिर माइनस से प्लस हो गया। गुणधर्म है डिटरमिनेंट्स का कि दो कॉलम के बीच में इंटरचेंज करने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इससे डिटरमिनेंट्स का वैल्यू आ गया और यही मुझे सिद्ध करना था। नंबर 33 में आए, तीन नंबर में आए, ये दिया हुआ है और इसका मान ज्ञात करना है, आर वन को साइन अल्फा से आर थ्री को कॉस अल्फा से गुणा करेंगे साथियों। इसको इसका मतलब है इसमें हम एक बटे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा से गुण भाग करेंगे, भाग करेंगे तो रिजल्ट ये आ जाएगा, ये डिटरमिनेंट्स का चीज है साथियों, इसकी डिटरमिनेंट कैसे देना है। इसके दो एलिमेंट इसमें जीरो आ गया, कॉलम आर वन के अंदर इसको विस्तार कर देते हैं, विस्तार कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ये कॉमन निकल गया दोनों से, कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर एक होता है, इसका मान भी एक हो गया साथियों। नंबर क्वेश्चन है, यदि एबीसी वास्तविक संख्या है तो इस डिटरमिनेंट का मान जीरो होगा, ये सिद्ध करना है, जीरो है तो सिद्ध करना है ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा या ए बराबर बी बराबर सी होगा। साथियों ऐसे प्रश्नों के लिए पहला काम करते हैं आर वन में आर टू आर थ्री तीनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने से पहला रो में टू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाता है, पहला रो से कॉमन निकालते हैं, उसके बाद पहला कॉलम में दूसरे कॉलम को, दूसरे कॉलम को तीसरे कॉलम में घटा देते हैं, तो ये दो एलिमेंट जीरो हो गया, ये एक बच गया। अब इसके अनुदिश विस्तार कर देते हैं, विस्तार करने से ये रिजल्ट आता है, ये इसको कैलकुलेट किए तो टू ए प्लस बी प्लस सी बी माइनस सी सी प्लस ए बराबर जीरो आ गया। साथियों यस होगा और ये सी माइनस ए होगा। अब इस दोनों में देखेंगे क्या ए प्लस बी प्लस सी कॉमन जीरो के बराबर हो जाएगा, ये पहला प्रूफ हो जाएगा, दूसरा अगर b माइनस सी जीरो है तो b बराबर c हो जाएगा, c माइनस सी जीरो है तो c बराबर a हो जाएगा, इस तरह से a बराबर b बराबर c हो गया साथियों। यहां पर एक बार दिनेश देख लेंगे, इस दोनों में कॉमन निकाल लिया, c कॉमन निकाल लिया ये दोनों में, तो बच गया b माइनस c, और इस दोनों में कॉमन निकाल लिए a, ये प्लस ए कॉमन निकाले तो सी माइनस बी हो गया। अब बी माइनस सी कॉमन निकाल रहे हैं तो ये चिन्ह बदल जाएगा, सी माइनस ए यहां हो जाएगा। साथियों एक स्टेप आप चाहो तो यहां पर और लिख सकते हो, सी टू ए प्लस बी प्लस सी सी बी माइनस सी माइनस कॉमन निकालेंगे ए बी माइनस सी बराबर जीरो। अब बी माइनस सी कॉमन निकालेंगे तो सी माइनस ए यहां बचेगा और ये बी माइनस सी जीरो होगा तो बी बराबर सी, सी माइनस जीरो होगा तो सी बराबर ए, यानी तीनों बराबर हो गया,
अतः इस प्रकार साबित हो गया कि a प्लस b प्लस c जीरो होगा या a बराबर b बराबर c होगा। नंबर क्वेश्चन है a जीरो नहीं है तो साबित करना है समीकरण का हल शून्य, शून्य अगर है तो x का मान क्या होगा ये बताना है। इससे x का मान बताना है तो पहले क्या करते हैं कॉलम वन में टू थ्री तीनों को जोड़ लेते हैं, तीनों को जोड़ते हैं तो एक्स 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 थ्री एक्स प्लस ए थ्री एक्स प्लस ए थ्री एक्स प्लस ए पहले कॉलम में कॉमन निकल जाता है, ये एक एक हो गया। अब आर वन में आर थ्री घटाते हैं आर टू में भी आर थ्री घटा देते हैं, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा, ये भी माइनस ए हो जाएगा। और अब पहले कॉलम के लिए विस्तार कर देते हैं तो ये थ्री एक्स प्लस ए इंटू ए एस जीरो इंटू ए जीरो हो गया, माइनस ए इंटू माइनस ए माइनस ए इंटू माइनस ए ए स्क्वायर हो जाएगा, तो थ्री एक्स प्लस ए जीरो हो तो एक्स बराबर माइनस ए बटे तीन होगा। मुझे एक्स का ही मान निकालना था, ए का मान माइनस तीन होगा और ये ए स्क्वायर यहां पर जीरो नहीं है। अतः इस प्रकार साबित हुआ कि एक्स का मान इसका हल हुआ एक्स का मान माइनस ए बटे तीन होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहे और विविध प्रश्नावली के पांच प्रश्नों तक का देखा। अगले पार्ट में हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक का सॉल्यूशन। तब तक के लिए विदा चाहते हैं, धन्यवाद।